हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का डेट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि 67th बीपीएससी पीटी का एग्जाम 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। तो अगर हम समय की बात कर लेते हैं कि समय कितना बचा हुआ है, तो 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है आपका। आज हो गया आपको 9 फरवरी, ठीक है? तो 9 फरवरी हो गया और समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। तो अब ये जो समय बचा हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन अब आपके हाथों में है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी और सूर्योदय यानी सनराइज में एक ही समानता होता है, और वो समानता ये होती है कि जो भी व्यक्ति देर करता है वो इन्हें खो देता है। अगर आप अपनी तैयारी में देर कर दीजिएगा तो आप जो अपॉर्चुनिटी सामने है वो मिस कर दीजिएगा, और यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय देखना चाहता है तो उसे जल्दी उठना पड़ेगा, अगर सोते रहेगा तो सूर्योदय नहीं देख सकता है। तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं। बिहार के हम प्रमुख झीलों को देखेंगे या इसमें आज, उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में क्या कोई ऐसा झील है जिसे रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और रामसर साइट यानी रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, ये कहां पर हुआ था, वेटलैंड डेज कब मनाते हैं, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड इंडिया में एज पर रामसर साइट कितने हैं, इन सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। और मैं आपको लिख देता हूं कि यहां से आपको एक प्रश्न बनने वाला है। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार के इंपॉर्टेंट झीलों को। तो बिहार के इंपॉर्टेंट झीलों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बिफोर दैट एक प्रश्न बनता है आपसे यहां पर। वो प्रश्न मालूम है क्या बनता है, कि बिहार का जो मैक्सिमम लेक है वो क्या है, किसका उदाहरण है? तो ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऑक्सबो लेक, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां बस ये जान लीजिए कि बिहार की जितनी भी झीलें हैं वो सब किसके उदाहरण है, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न तो बन ही रहा होगा, मैं नहीं बताऊंगा तब भी बन रहा होगा, कि सर ऑक्सबो लेक अब ये क्या होता है। अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसको तो मालूम है, एनसीईआरटी का चीज है, टर्म है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा जब रिवर कर रहे होंगे। तो ऑक्सबो लेक क्या होता है, बेसिकली इट इज अ यू शेप लेक होता है। ये क्या होता है, यू शेप लेक होता है, समझ रहे हैं, ये यू शेप लेक होता है। और ये बनता कैसे है, ये बनता है कि जब रिवर, मान लेते हैं एक रिवर है आगे चल रहा है, एक इस तरह से कट गया यहां से, ठीक है, तो ये जो है ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है, इसके मीएंडरिंग से बनता है, ठीक है। तो व्हेन अ वाइड मीएंडर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ देन एन ऑक्सबो लेक इज क्रिएटेड। जब एक वाइड मीएंडर जो होता है रिवर का, मोड़ होता है, तो वो जब कट जाता है, ये जब कट जाता है, एक रिवर का स्ट्रीम चल रहा हो, और एक यहां से आप देखते होंगे, सो कई बार देखते होंगे इस तरह का डिजाइन आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारे के सारे के क्या है, किसका उदाहरण है, ये सब ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। तो एक यू शेप का लेक होता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सबो लेक। तो बिहार के मैक्सिमम जो लेक है वो सारे के सारे क्या है, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। क्वेश्चन अगर पूछे कि बिहार में जो लेक पाया जाता है वो किस तरह का उदाहरण, तो ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, राइट। एक हिंदी में समझा देते हैं, हिंदी में क्या होता है ऑक्स, मतलब क्या होता है, बैल। क्या होता है, बैल। आपने देखा होगा बैल का जो पांव होता है, या घोड़ा का भी देख लीजिए ना, क्या होता है, ये इस साइड का एक नाल बनता है, नाल तो जानते होंगे, तो ये इस तरह का बनता है, ठीक इसी प्रकार से बनता है ऑक्सबो लेक, राइट। इतना के बाद आप ज्यादा मत जानिए, बस ये देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स की। तो कवार झील या कवार ताल ये कहां पर है, बेगूसराय में, याद कर लीजिए हमारे साथ। कवार झील या कवार ताल कहां पर है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान झील कहां पर है, दरभंगा में है। घोघा झील अथवा घोघा चाप कटिहार में है, और इस कवार झील के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में भी। घोघा झील अथवा घोघा चाप कहां पर है, कटिहार में है। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील है सहरसा में। जगतपुर झील, जगतपुर झील कहां पर है, भागलपुर में है। मत्स्य गंधा झील कहां पर है, सहरसा में। और अजय झील कहां पर है, कैमूर में है। खड़गपुर झील कहां पर है, मुंगेर में। और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। तो एक बात तो आपने ये देख लिया। तो सबसे पहले अगर हम कवार लेक की बात करें, तो कवार लेक मालूम है कहां पर है, यह बेगूसराय में है। जी सर, आपने बता दिया कि बेगूसराय में है, नहीं तो पहले से भी आपने पढ़ा होगा कि कवार झील या कवार ताल जो है बेगूसराय में है, और बेगूसराय के मंझाउल ग्राम में स्थित है, ठीक है। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है कि मंझाउल गांव में स्थित है या क्या है, लेकिन ये वर्ड के लिए काफी फेमस है। यह भी पूछेगा आपसे कि पहले क्या था, कि यहां पर विदेशों से वर्ड्स आते थे,
एक टाइम पे बर्ड विदेशों से वर्ड्स आते थे, लेकिन बाद में इस पे पोचिंग होना शुरू हो गया। पोचिंग समझते हैं ना, लोग उसको हंटिंग करना शुरू कर दिए और जिसके कारण उसकी संख्या घट गई। फिर इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी भी बात करेंगे हम। कुशेश्वर स्थान झील कहां पर है? दरभंगा में है सर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। ओके, तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में प्रखंड में कौन सा स्थित है? कुशेश्वर स्थान झील। और कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड है, एक कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड है, वहां पर घोघा झील है। घोघा चाप जो झील है वो कटिहार में, कटिहार के मनिहारी प्रखंड में है। और सिमरी बख्तियारपुर झील कहां पर है? तो सिमरी बख्तियारपुर झील जो है वो बख्तियारपुर प्रखंड में है। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में आपको ये मिलेगा, सिमरी बख्तियारपुर झील। और अगर हम बात करें जगतपुरा झील, तो भागलपुर आपने देख लिया, मत्स्यगंधा सहरसा में है, सहरसा में। उसके बाद अजय झील कहां पर है? कैमूर। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, और ये अजय झील आया हुआ एग्जाम है, ठीक है, बीपीएससी ने पूछ दिया है अजय झील, ठीक है। खड़गपुर झील मुंगेर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, इतना आपको याद हो गया होगा। ओके, अब आइए हम बात कर लेते हैं बेगूसराय के कांवर झील की। तो मैंने पहले भी बताया था कि बेगूसराय के कांवर झील जो है इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो बेगूसराय के कांवर और कांवर का ही मिल जाएगा आपको। तो बेगूसराय की कांवर झील जो है वो क्या अब हो गया है? रामसर साइट के लिस्ट में शामिल हो गया है। तो बेगूसराय का कांवर लेक जो है बिहार का एकलौता लेक है जिसको रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बिहार का पहला और देश का 39वां ऐसा झील बना है। तो एक तो यह भी याद कर लीजिए कि बिहार का पहला रामसर साइट के रूप में किसको इंक्लूड किया गया, तो कांवर लेक को, ठीक है। और यह कौन से वेटलैंड, इंडिया के कौन से नंबर के वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है, तो 39वां झील के रूप में। बिहार का कोई भरोसा नहीं है, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, किस तरह का प्रश्न बनाएगा आपको नहीं मालूम। कांवर झील का खासियत यह है कि यह अभ्यारण्य पूरे देश के पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील है, पूरे ईस्टर्न का सबसे बड़ा झील है, और यह लगभग 6311 हेक्टेयर में फैला हुआ। कितना में? 6311 हेक्टेयर में फैला हुआ। ये तो नहीं पूछेगा, बस ये जान लीजिए कि पूर्वोत्तर भाग का सबसे बड़ा झील है यह। और खास बात यह कि 39वें रामसर साइट के रूप में यह शामिल किया गया है इंडिया का, और बेगूसराय का कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। और कब का यह न्यूज है? यह है नवंबर 2020 का न्यूज, ठीक है। तो नवंबर 2020 में इसको शामिल किया गया था, तो लेटेस्ट है, पूछेगा आपसे। द कांवर लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नोटिफाइड एरिया। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनफैक्ट, ये कांवर लेक का सीन आपको दिखा रहा हूं मैं। तो द कांवर लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नोटिफाइड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो नोटिफाइड एरिया के रूप में इसको कब डिक्लेयर किया गया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको एज ए नोटिफाइड एरिया कांवर लेक को घोषित किया गया था। बाद में इन 1989, प्रश्न यहां से भी बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन 1989 द बिहार गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट अ वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है। क्या डिक्लेयर किया था इसको? वर्ल्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था, राइट। तो कांवर लेक को बिहार सरकार ने 1989 में, 1989 में क्या डिक्लेयर किया था? वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में कांवर लेक को डिक्लेयर किया था। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा बाद में। अब यहां पर देखिए, बात कर रहे थे हम रामसर कन्वेंशन का। तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है, मैं बताया था आपको, अगर पिछले दो स्लाइड से नहीं पूछा तो यहां से तो पक्का पूछ देगा, इससे बच के नहीं जा सकता है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज ये जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है, दिस इज बेसिकली स्पेशली एज अ क्या होता है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड पर ध्यान देता है, ठीक है। जितने भी वेटलैंड हैं, पोखर तालाब जिसमें पानी है, तो इन सारी चीजों पर ये क्या करता है? ध्यान देता है। इट इज ऑल्सो नोन है, जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उसको हम किस रूप में जानते हैं? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के रूप में जानते हैं। अब ये क्या है, ये जिसका जो नामकरण हुआ है ईरान में, चूंकि ये कन्वेंशन हुआ था कब? दो फरवरी को। इट वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971 इन ईरान। और ईरान में एक जगह है रामसर, ये ध्यान दीजिएगा, ये रामसर कहां पर है? तो ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वॉज साइंड, और इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन, चूंकि रामसर ईरान में है इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के रूप में जानते हैं। टोटल अगर इंडिया की हम बात करें तो टोटल जो वेटलैंड अभी हो गया है वो 49 हो गया है।
कितने हो गए हैं, 49 हो गए हैं, और विच इज हाइएस्ट फॉर एनी कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में किसी भी देश के लिए नंबर जो है सबसे हाइएस्ट है कि इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और सबसे पहला लेक जिसको कि रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था, फर्स्ट इंडियन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, दैट वाज चिल्का लेक। ठीक है, तो चिल्का लेक कहां पर है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि चिल्का लेक कहां पर है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि 2 फरवरी से क्वेश्चन बनता है एक, कि 2 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो एज ए वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन 3-स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को एज ए वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आई फिनिश दिस वीडियो हेयर ओनली। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग योर सिलेबस, जितना भी सिलेबस है उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। बाकी ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको अपलोड करते रहेंगे हम, आप देखते रहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सिलेबस में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीजों को आपको अपडेट कराया जाए। धन्यवाद।